हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के मास्टरी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना है। विश्व विकास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी। चलिए अब आपको अक्टूबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिव्यू कराते हैं। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे और वर्ल्ड हाउसिंग डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइड डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे और इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे और इंटरनेशनल शेप डे। बात करें 21 अक्टूबर को वर्ल्ड पुलिस मेमोरियल डे और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे और 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने COVID-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, USA। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में COVID-19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए के रूप में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है। USFDA ने अभी घोषणा किया है कि ब्रांड नेम वैक्लेरी के तहत बेची जाने वाली दवा COVID-19 के लिए अब तक अनुमोदित एकमात्र विशिष्ट उपचार था। चलिए अब आपको USA के बारे में बताते हैं। बात करें USA की तो कैपिटल वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन है डेनाली, बिगेस्ट लेक सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड बाल ईगल, फ्लावर रोस, नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी कहाँ पर स्थापित की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया। यह RRDR आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरी है। आयुष मंत्रालय ने 8 RRDR और 1 NRDR का प्रस्ताव किया, जिसमें से 3 क्षेत्रीय ड्रग रिपोजिटरी तैयार हो चुकी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के बारे में बताया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना
यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का उद्घाटन किया। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंटला से आग्रह किया कि वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत खेती पर जोर देते हुए किसानों को मशीनी खेती में परिवर्तित करने में मदद करें। बात करें आदर्श कृषि ग्राम योजना के बारे में, तो है एक पहल जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही में किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की जा रही है। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बात हैं। बात करें उत्तराखंड का, तो 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य, कैपिटल देहरादून, फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी, फर्स्ट गवर्नर एसएस बर्नाल, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट 13। उत्तराखंड का हाईकोर्ट उत्तराखंड में ये चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया, यह संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। IIT रोपड़ टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में 351 से 400 रैंक में आया है। इस संस्थान ने कृषि और पानी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त किया। चलिए अब आपको पंजाब के बारे में बातें हैं। बात करें पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर श्री बी पी सिंह बदनौर, कैपिटल चंडीगढ़, फर्स्ट सी एम गोपी चंद भार्गवा, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेणी जी, लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22, स्टेट रिवर है सिंधु। बात करें पंजाब का हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में पंजाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में वेगा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में वेगा मेन रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करते दिखेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्रियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा जी। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो BVs तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे IPL के दौरान और YouTube पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। BVs एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित मल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है, जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ता को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं प्रियंका चोपड़ा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा रेड्डी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नयानी नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया। वे 76 साल के थे। साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार 1988, 1985 और 2004 में निर्वाचित हुए थे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति द्वारा वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर नरसिम्हा रेड्डी ने दिवंगत YS राजशेखर रेड्डी सरकार में बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दी थी। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बातें हैं। बात करें तेलंगाना का, तो उसका गठन अभी हाल ही 2 जून 2014 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन, कैपिटल हैदराबाद, लोकसभा सीट
17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। बात करें तेलंगाना का हाईकोर्ट, तेलंगाना में है चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में तेलंगाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपनी होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता का प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। इस नई अभियान में एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे, जो उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना की मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों का मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल, जम्मू है विंटर कैपिटल। बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर यानी कि रिटायर्ड का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी रमणन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमणन का निधन हो गया। वे 96 साल की थी। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वे 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी रमणन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। वे फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा रमणन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और बहुत कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये थी विजय लक्ष्मी रमणन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सैन मैरिनोगढ़ राज्य में भारत की अगली राजदूत कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जो कि रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मैरिनोगढ़ राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। यह आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। बात करें सैन मैरिनो की राजधानी, तो सैन मैरिनो ये सैन मैरिनो गणराज्य की गणतंत्र की करेंसी की बात करें तो यूरो है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व हेम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया। भारत सरकार ने घोषणा किया कि ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइल को बेचने जा रहा है। CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। बात करें तमिलनाडु राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। भारतीय नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ का नाम है INS कवर्टी। बात करें NK सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक JK क्वेश्चन की तरफ। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवहनीय वर्षा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय। चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा क्रिकेटर लगातार आईपीएल के दो मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में कौन से राज्य में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया? क्वेश्चन नंबर टू है, जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।